हेलो फ्रेंड्स, मैं रजकांती स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज बनाना सीखेंगे नेट सूट डिजाइन। तो देखिए, उसके लिए हमने 2 मीटर नेट लिया है, 1.5 मीटर अस्तर और नेक लेस लिया है रेडीमेड। तो हम कपड़े को कर लेंगे 4 फोल्ड और इसका लंबाई रखेंगे 36 इंच। तो देखिए, ये 4 फोल्ड में हमने कर लिया है कपड़े को, तो इसे हम अच्छे से कर लेंगे। और यहाँ का शोल्डर लेंगे हम 6 इंच और आर्म होल भी लेंगे 6 इंच, तो 32 इंच। चेस्ट है तो हम 8 इंच पर मार करेंगे चौथा भाग, और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और आर्म होल का गोलाई देंगे 1 इंच पर। तो हम नीचे का बंद बंद पार्ट रखेंगे 12 इंच और एक मार्क हम 6 इंच पर करेंगे। तो देखिए, इसका कमर है 28 इंच, तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और इसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे का जो कमर है वहाँ पर हम, वो भी मेरा 32 इंच है, तो हम इसे 8 इंच पर मार्क करेंगे और इसे अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये फिटिंग अपने अनुसार आपको रखना होगा। तो देखिए, हम 2 इंच एक्स्ट्रा है तो इसे भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए पहले इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे कटिंग कर दिया है। तो देखिए, नीचे से हम 3 इंच इसे कट कर देंगे, क्योंकि जो हम नेट फैब्रिक रखेंगे लंबा इससे, और ये 3 इंच हम कम रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नेट फैब्रिक को भी कट कर लिया है। नेट फैब्रिक की लंबाई हम रखेंगे 4 इंच, क्योंकि 1 इंच जो है सिलाई में चला जाएगा। तो पहले देखिए, ये बैक पार्ट है। तो देखिए, बैक पार्ट नेक विड्थ हम रखेंगे 3 इंच और एक मार्क फिर 3 इंच पर करेंगे। क्योंकि हमें नेक है जो लंबाई ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, एक मार्क हम 5 इंच पर करेंगे और एक मार्क 2.5 इंच पर, और इसे अच्छे से गुलाई दे देंगे और इसे हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 32 इंच चेस्ट है तो हम ज़्यादा नेक विड्थ नहीं रखेंगे। तो देखिए, हमने नेक को कट कर लिया है। तो चलिए, हम फ्रंट पार्ट को भी नेक को कट कर लेते हैं। इसका भी नेक विड्थ 3 इंच रखेंगे और इसका लंबाई है जो 3.5 इंच रखेंगे, और इसे हम अच्छे से गुलाई दे देंगे। तो चलिए, इसे भी हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कट कर लिया है। और जो देखिए रेडीमेड जो हमने डिजाइन के लिए लिया है लेस, तो इसे भी हम 3 इंच लंबाई और 3.5 इंच लंबाई और इसे भी गुलाई दे देंगे। इसका भी नेक विड्थ 3 इंच रखेंगे। आपको बाज़ार में अवेलेबल है, आप खरीद सकती हैं। रेडीमेड की तरह आप डिजाइन बनाना चाहते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू हम डिजाइन बनाए हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑलरेडी इसका अलग वीडियो मैं बनाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बाजू को कट कर लिया है। तो बाजू को लंबाई है 11 इंच तो देखिए, इस तरीके का हमने कपड़े को रख लेंगे।
और इसका लंबाई हम रखेंगे 10 इंच, और इधर से 12 इंच। तो बाजू को पूरा डिटेल में देखने देखेंगे। इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, हम नेक पर सिलाई अटैच करेंगे। यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम उलट लेंगे। तो ऊपर से भी एक सिलाई अटैच कर देंगे। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे ये सूट डिजाइन है, बहुत ही अच्छे लगेंगे ये पहनने पर। बहुत ही इसका लुक जो है बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो देखिए, हम पूरे पार्ट में सिलाई अटैच कर देंगे, अस्तर और नेट को ज्वाइंट कर देंगे ताकि इधर उधर सिलाई करने में नहीं खिसक पाए। तो चलिए पहले इसे हम सिलाई को अटैच कर लेते हैं। तो ऐसे ही दूसरा तरफ भी सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ भी हम सिलाई अटैच कर लिए हैं। तो देखिए, जो हमने रेडीमेड खरीदा हुआ है वो भी इसे पर अटैच करेंगे। तो इसे हम जो अंदर की तरफ से थोड़ा थोड़ा मोड़कर गले पर अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे लगेंगे ये सूट। तो देखिए, इसे अंदर की तरफ से 1 फोल्ड मोड़ मोड़ कर सिलाई अटैच करेंगे। तो इस पर हम पूरे में सिलाई अटैच कर देंगे। तो रेडीमेड नेक को हम इस पर पूरे में सिलाई अटैच कर देंगे कि इस पर अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। तो देखिए, जिस तरीके का डिजाइन बनाया गया उसी तरीके से हम सिलाई अटैच करेंगे। तो ऐसे ही हम पूरे में सिलाई को अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे में सिलाई को अटैच कर लिया है। तो चलिए, हम बैक नेक को भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक नेक को हम कपड़े पर रख के इसे डिजाइन को बना लिया है। तो इसे अंदर की तरफ से मोड़ कर सिलाई अटैच कर देंगे। आप इस गले के बुकरम से भी बना सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत ही वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए बहुत ही परेशानी होती है, इसलिए हमने इस गले को बना लिया है। तो देखिए, ऊपर से हम सिलाई अटैच कर देंगे।
आप नेक पर कोई भी डिजाइन बना सकते हो, इसमें राउंड गला भी बनेगा, चकोर गला भी बन जाएगा। तो हम इस तरीके के गले बनाए हैं। तो चलिए हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे भी हम कट कर लेंगे और यहाँ पर भी शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक जो है बन गया है, शोल्डर भी ज्वाइंट हो चुका है और यहाँ पर हम मुरेबी पट्टी कट कर लिया है। तो यहाँ पर वन फोल्ड कपड़े को रखकर सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ज्वाइंट कर लिया। इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने से जो फिनिशिंग है बहुत अच्छे से आते हैं। तो इस कपड़े को अंदर की तरफ से रख के और इसे वन फोल्ड करके सिलाई अटैच करेंगे। ये बाजू है बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही अच्छे डिजाइन है। तो चलिए ऐसे ही वन फोल्ड करके पूरे में हम सिलाई को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके का पूरे में हम सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने गोलाई में अटैच कर लिया। इधर से भी 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख के सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। यहाँ पर भी वैसे ही हम कपड़े के यहाँ मोड़ लेंगे और वन फोल्ड करके सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरे में सिलाई अटैच हो गया है। तो देखिए हम बीच से बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसमें इस डिजाइन में जो है ऊपर से फ्रिल जो है अटैच करेंगे। पहले हम स्लीव को बना लेंगे, फिर ऊपर से फ्रिल अटैच करेंगे। तो वैसे ही पूरे सिलाई अटैच कर देंगे बाजू को। तो देखिए हमारा बाजू अटैच हो चुका है। इसे वन फोल्ड करके हम सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम फिटिंग मार्क कर लेंगे, फिर स्लीव को फ्रिल को अटैच करेंगे। तो देखिए बीचों बीच हम एक मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से आप फिटिंग देंगे बिल्कुल ही बहुत ही परफेक्टली आ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 इंच पर इसका जो है फिटिंग मार्क है, तो हम 4 इंच पर मार्क कर देंगे। और 32 इंच चेस्ट है तो हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। कमर है 28 इंच तो 7 इंच पर मार्क करेंगे। और नीचे का कमर है जो 32 इंच, तो यहाँ पर भी 8 इंच मार्क करेंगे। वैसे ही दूसरा साइड भी मार्क कर लेंगे। तो फिर फ्रंट रूट साइड हम बाजू को अटैच कर दिए हैं, क्योंकि हम इसका डिजाइन जो है स्पेशली बनाए हैं।
तो देखिए इस तरीके इस साइड भी ऐसे ही मार्क कर लेंगे पूरे में और सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए ऐसे ही हम सिलाई अटैच कर देंगे, तो एक सिलाई और अटैच कर देंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स वैसे ही दूसरा तरफ भी हम सिलाई अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम दूसरी सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने स्लीव को अटैच कर दिया है पहला जो है, तो इसमें हम अटैच करना आप लोग को बताऊंगी। तो ये बाजू को हम उल्टे साइड में कर लेंगे और यहाँ पर नापेंगे हम। तो देखिए पहले यहाँ पर मार्क लगा लेंगे और अंदर की तरफ से मार्क लगाएंगे और बाहर की तरफ से मार्क लगा लेंगे और एक मार्क बीच में लगाएंगे। तो देखिए हम तीन मार्क कर लिए हैं और यहाँ पर भी मार्क लगाएंगे, यहाँ बाजू को बीचों बीच मार्क लगाएंगे। इस फ्रिल को बीच साइड से अटैच करना है क्योंकि इसका स्लीव जो है बीच में डिजाइन बन रहा है, इसलिए हम बीच साइड से अटैच करेंगे। और पहल का जो मार्क हमने फ्रिल में अटैच किया वो वहाँ से हम सिलाई अटैच करेंगे। आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है क्योंकि बाजू को उल्टे साइड कर लेना है और फ्रिल के सीधे साइड करके ऊपर से सिलाई अटैच करना है। तो चलिए ऐसे ही हम सिलाई को अटैच करेंगे। ये डिजाइन है बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो देखिए सिलाई अटैच हो चुका है। तो देखिए स्लीव जो है अटैच हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके का डिजाइन है, ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है। तो देखिए नीचे का जो पार्ट है उसे भी वन फोल्ड करके हम सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए हम अस्तर और नेट के साइड में भी वन फोल्ड करके सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही हम दोनों पार्ट को एक साइड में वन फोल्ड करके सिलाई अटैच करेंगे। तो आपको इस साइड बहुत ही परफेक्ट से वन फोल्ड सिलाई अटैच करना है। देखिए वैसे ही दूसरी तरफ भी वन फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सीधे सिलाई अटैच करना है। तो वैसे ही पूरे में सिलाई को अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स वैसे ही दूसरे तरफ भी करेंगे और नीचे के भी हम वन फोल्ड करके सिलाई अटैच कर देंगे।
तो देखिए ये भी सिलाई अटैच हो चुका है, तो वैसे ही हम एक सिलाई और अटैच करेंगे पूरे में। तो देखिए इसी तरह से हम पूरे में तो देखिए फ्रेंड्स मेरा अटैच हो चुका है, यहाँ पर डोरी अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा सूट बन के रेडी हो गया है। तो यदि मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।